गाइज वेलकम बैक, मैं आपका दोस्त आ गया हूँ टिकटॉक को एक और जबरदस्त VFX वाली वीडियो को लेकर। गाइज आपने टिकटॉक पे बासु मंडल का वीडियो जरूर देखा होगा। गाइज इनके वीडियोस बहुत ही तेजी से वायरल होते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस तरह का वीडियो बनाकर दिखाने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को मेरे पास 10 से ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पे भेजा था। गाइज मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे, आप सबका थैंक यू, आप सबका धन्यवाद वीडियो भेजने के लिए। गाइज अगर आपके पास भी कोई ऐसा वीडियो जिसका ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो आप उस वीडियो को मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, या आप अगर वीडियो टिकटॉक पे देख रहे हैं और अगर आपको उस वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो उस वीडियो के कमेंट में जाके @technicaldullu लिख दीजिए। गाइज जल्द से जल्द मैं उस वीडियो का ट्यूटोरियल लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि दोस्तों आपको आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। गाइज आते हैं पॉइंट पे, बात करते हैं इस वीडियो को आखिर आप कैसे शूट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये वीडियो 3 पार्ट में शूट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले पार्ट में जब आप ये वीडियो को शूट करेंगे तो यहाँ पे आपको छत पे या किसी ऐसे जगह को चूज करना है जहाँ पे आपको इस तरह से लाइन खींचना है और उसी जगह पे दोस्तों बाद में आप एडिटिंग करने वाले हैं। गाइज दूसरा वीडियो जो आप शूट करेंगे यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस वीडियो में गाइज आपको कोई बॉटल या कोई बर्तन आपको पानी से भरा हुआ रख देना है। दोस्तों यहाँ पे रखने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर से दोस्तों आपको इसमें पत्थर या कोई चीज गिराना ताकि पानी ये छलक जाए। तो तीसरा वीडियो जो आपको यहाँ पे शूट करना है उसके पीछे दोस्तों आपके ग्रीन कलर का कपड़ा या कोई भी एक कलर का कपड़ा या वॉल आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपको तीसरा वीडियो शूट करना है, जैसे आपने पहले वीडियो में जंप किया था उसी तरह से यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। दोस्तों इस तरह से तीनों वीडियो आपने शूट कर लिया, काइंड मास्टर आपके पास है। वीडियो एडिटिंग शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं ये वीडियो बहुत ही यूनिक है। दोस्तों अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और इस वीडियो का एडिटिंग सीख लेते हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि गाइज ये वीडियो नॉलेजफुल होने वाली है, ये वीडियो में बहुत अच्छी एडिटिंग आपको सीखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइज वीडियो एडिटिंग शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं ये वीडियो दोस्तों बहुत ही यूनिक है, इसकी एडिटिंग थोड़ी लंबी हो सकती है। तो गाइज अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों काइन मास्टर ओपन करने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, 9 और 16 का यहाँ से आपको एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करना है। मीडिया ब्राउजर में जाके दोस्तों आपको सबसे पहले उस वीडियो को सेलेक्ट करना है जिसमें दोस्तों आपने लाइन खींची थी अपने छत पे या टेरेस पे, जिसमें आपने इस तरह की एक्टिंग की थी, सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ओके करेंगे। ये वीडियो शूट करने के टाइम सबसे मेन चीज़ ये चाहिए कि वीडियो के लास्ट में आपके कुछ बैकग्राउंड पार्ट होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको खाली बैकग्राउंड होना चाहिए। दोस्तों इस तरह से वीडियो आपने शूट कर लिया, अब वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट को हम सबसे पहले यहाँ से कटिंग करके निकाल देते हैं। तो गाइज वीडियो को यहीं तक रखेंगे, सीजर पर जाएंगे, ट्रिम टू लैपटॉप पर हेड करके काट देंगे। उसके बाद दोस्तों जब आप यहाँ पर जंप करते हैं उस पोजीशन तक वीडियो को हम रखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी पोजीशन पे हमने जंप किया था, तो सिंपली यहाँ से स्प्लिट एट प्लेहेड करके काट देंगे। उसके बाद गाइस सिर्फ आपको बैकग्राउंड चाहिए, बाकी के एरिया यहाँ से ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड करके काट देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ पे जहाँ आप जंप करते हैं इसी पोजिशन पर आपको एक स्क्रीन शॉट ले लेना है, तो दोस्तों डिलीट के ऊपर स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कैप्चर एंड सेव फ्रेम एट प्लेहेड करके स्क्रीन शॉट ले लेंगे। अब दोस्तों जो स्क्रीन शॉट आपने लिया है ये आपके गैलरी में जाके सेव हो गया होगा, इसका दोस्तों तो आपको बैकग्राउंड को काट लेना है। तो गाइज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा एक क्लिक में आप कैसे बैकग्राउंड को काट सकते हैं। दोस्तों यहां पे हमने बैकग्राउंड को पहले से ही कटिंग करके रखा हुआ है, तो सिंपली यहां से लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, दोस्तों यहां से आपको उस बैकग्राउंड फोटो को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइज यहां से आप देख सकते हैं मैंने उस फोटो को सिलेक्ट कर लिया। फोटो सिलेक्ट करने के बाद गाइज यहां से उसको थोड़ा सा इस तरह से आपको बड़ा करके सेम यहां पे मैच कर देना है। तो हमारा फोटो यहां पे मैच हो चुका है, अब इस फोटो को आपको यहां से कटिंग कर देना है, ये फोटो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। तो गाइज यहां से आप देख सकते हैं इस फोटो को हम इस तरह से यहां से खींच के ला के छोटा कर सकते हैं या आप सीजर पर जाके कटिंग कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो को स्टार्टिंग पोजिशन पर रखेंगे यहाँ पर फोटो के, और डिलीट के ऊपर आपको की पे क्लिक करना है करके दोस्तों यहाँ पर ला के आपको थोड़ा सा आगे इस जगह पर अगेन एक डॉट दे देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डॉट दे दिया। अब गाइज इस फोटो को आपको इस तरह से खींच के लाके आपको आराम से इसको नीचे इस तरह से दोस्तों छुपा देना है। चलिए दोस्तों यहां से ओके कर देंगे। अब गाइज यहां पे आपको स्काई इफेक्ट देने के लिए जहां पे आप लाइनिंग खींचते हैं, देखिए इस जगह पे आपने लाइनिंग खींचा, इसी पोजीशन पे दोस्तों आपको एक बैकग्राउंड ऐड करना है। लेयर में जाएंगे दोस्तों, मीडिया ब्राउजर में जाके आपको बैकग्राउंड फोल्डर से कोई भी एक कलर का बैकग्राउंड ले लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां से कलर में जाके इसको हम ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां से ओके करेंगे। दोस्तों इसको क्रॉपिंग में जाएंगे, यहां से आपको मास्क को ऑन कर देना है, और यहां से दोस्तों आपको शेप में राउंड वाला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली दोस्तों यहां से ओके कर देंगे। अब गाइज यहां पे आप देख सकते हैं आपका ग्रीन कलर का यहां पे स्क्रीन आ चुका है, तो इसको दोस्तों इस तरह से आप यहां पे रोटेट करके आपका जहां तक दोस्तों आप निशान खींचते हैं उसी पोजीशन तक यहां पे आपको सेट कर देना है। यहां अब इसके इन एनिमेशन को दोस्तों यहां से आपको
पॉपअप रख देना और इसके टाइमिंग को एक सेकंड रख देंगे, उसके बाद सिंपली यहाँ से ओके करेंगे। अब दोस्तों इस ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को हम इस वीडियो के लास्ट पोजीशन तक ही रखने वाले हैं, तो यहाँ से सीजर पे जाएंगे, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड करके काट देंगे। अब दोस्तों यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ पे हमें एक स्क्रीन शॉट और लेना है, तो मेन वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से स्क्रीन पर जाएंगे और दोस्तों सबसे नीचे वाला ऑप्शन है कैप्चर फ्रेम एंड एड एज ए लेयर, इस पर दोस्तों एक स्क्रीन शॉट ले लेंगे। यहाँ से गाइज स्क्रीन पर सेलेक्ट करेंगे और यहां से आपको नीचे वाला स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों इसको इस तरह से खींच के लाके आपको आधा स्क्रीन पर रख देना है, उसके बाद दोस्तों यहां से सिंपली इसको ओके कर देंगे। दोस्तों इस स्क्रीन शॉट को भी आपको ऊपर के ग्रीन स्क्रीन के बराबर ही रखना है, तो यहां से सीजर पर जाकर ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड करके काट देंगे। ऊपर का जो आपका बैकग्राउंड वाला वीडियो था उसको भी आपको एकदम छोटा कर देना है, जितना छोटा ये हो पाए। तो गाइज आप देख सकते हैं इससे ज्यादा छोटा ये नहीं होगा, तो इतना दोस्तों यहाँ पे चल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको वो वीडियो ऐड करनी है जिसमें आपने जंप लगाए थे, आप किसी बॉटल या किसी बर्तन के अंदर गिरे थे, तो दोस्तों उस वीडियो को ऐड करने के लिए मीडिया में जाएंगे। अब गाइज वीडियो को इसी पोजीशन पर रखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी पोजीशन पर दोस्तों आपको फिर से वही फोटो ऐड करना है जिसका आपने बैकग्राउंड काटा था। तो दोस्तों लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाकर दोस्तों यहां से फिर से उसी फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों फोटो हमने एक बार फिर से सिलेक्ट कर लिया, फोटो सिलेक्ट करने के बाद गाइज इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे ताकि आपका बॉटल के अंदर ये मैच हो जाए। तो गाइज इसको यहां से ऊपर छुपा देंगे कुछ इस तरह से, उसके बाद गाइज यहां से डिलीट के ऊपर की पे क्लिक करेंगे और दोस्तों यहां पे आपको वीडियो को थोड़ा सा स्लाइड कर देना है एक सेकंड, और यहां से गाइज ऊपर से लाके आपको यहां पे बॉटल के बराबर में इसको इस तरह से रख देना है, यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं। उसके बाद गाइज यहां से सिंपली इसको ओके कर देंगे। अब दोस्तों यहां पे आपको इस वीडियो को यहां से कटिंग कर लेना है, तो यहां से दोस्तों सीजर पे जाएंगे, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड करके काट देंगे, उसके बाद यहां से ओके करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं आपकी स्पीड कैसी है ऊपर से गिरने में, तो गाइज यहां पे आप देख सकते हैं थोड़ी स्लो है, तो गाइज यहां से फिर से इसको थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर देंगे तो आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी। अब दोस्तों इसी पोजीशन पे आपको अपनी वो वीडियो ऐड करनी है जो आपने ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया था, तो गाइज यहां से लेयर में जाएंगे किया था, तो गाइज सबसे पहले हम इसको क्रॉप कर देते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं हमारी ग्रीन स्क्रीन थोड़ी छोटी है, तो इस तरह से दोस्तों यहां पे आप इसको सेट करके कटिंग कर सकते हैं। देखिए आपने इस तरह से कटिंग कर लिया, अब यहां से ओके करेंगे। क्या जाना है इस वीडियो का दोस्तों, आपको क्रोमा की यहां से सिंपली इनेबल कर देना है। गाइज वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन वीडियो आपकी परफेक्ट बासुमंडल जैसे ही बनने वाली है। दोस्तों यहां से अपने हिसाब से थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा ताकि आपका बैकग्राउंड अच्छे से कट जाए, उसके बाद सिंपली यहां से ओके कर देंगे। अब दोस्तों यहां पे आपको इस वीडियो में अपने इमेज को यहां पे आपको छोटा कर देना है और इस पोजीशन पर लेके जाएंगे दोस्तों बॉटल के अंदर। यहां पे आप देख सकते हैं इस तरह से हमने यहां पे छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद गाइज यहां पे आपको उसके ऊपर बैठा देना, इसको मैच कर लेना है कुछ इस तरह से। यहां से दोस्तों जाएंगे ब्लेंडिंग में, ब्लेंडिंग में जाने के बाद दोस्तों यहां से आपको स्क्रीन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों स्क्रीन पर जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप बॉटल के अंदर जा चुके हैं, उसके बाद दोस्तों सिंपली यहां से ओके कर देंगे। अगर आपके मेन वीडियो में जो बॉटल में आपने पत्थर या कुछ गिराए थे अगर वो दिख रहा है तो उसको यहां से दोस्तों सीजर में जाके कटिंग करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे वीडियो में नहीं दिख रहा है तो हमें कटिंग करके निकालने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को उस पोजिशन तक लेके जाएंगे जहां पर आप बॉटल को बंद करके भाग जाते हैं, उतना ही हमें वीडियो को रखना है। तो यहां से सीजर पर जाएंगे, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड करके काट देंगे, उसके बाद दोस्तों यहां से आपको ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो भी यहां से सीजर पर जाके ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड करके काट देनी है, उसके बाद सिंपली यहां से ओके कर देंगे। तो गाइज यहां पे आपका 80% वीडियो बन के तैयार हो गया है। अब इस वीडियो को दोस्तों पहले आपको एक बार सेव कर लेना है, तो सिंपली दोस्तों यहां से शेयर बटन पे क्लिक करेंगे, यहां से रिजोल्यूशन 720x30 सिलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे। जब तक वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो गाइज यहां से इस तरह से आपका प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां से बैक करेंगे, अगेन जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट में, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, 9 और 16 का यहाँ से दोस्तों आपको एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों मीडिया ब्राउजर में जाके यहाँ पे आपको दोस्तों कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेना, तो यहाँ से ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। दोस्तों इस तरह से इसको खींच के आपको 10 से 15 सेकंड रख देना है। अब गाइज यहाँ पे आपको वही वीडियो सेलेक्ट करना है जो आपने अभी काइन मास्टर से एक्सपोर्ट किया था, तो दोस्तों यहाँ से हम उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ से आप इस तरह से इसको खींच के पहले बड़ा कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ऑडियो को इसके म्यूट कर देना क्योंकि आपको दूसरा साउंड इफेक्ट इसमें देना है, तो सिंपली यहाँ से ओके करेंगे। गाइज जहाँ से आपके वीडियो में ग्रीन स्क्रीन आता है उसी पोजीशन से आपको वीडियो को कटिंग कर लेना है, तो आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में इसी पोजीशन से ग्रीन स्क्रीन आने वाला है, तो यही से वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, सीजर पर जाके स्प्लिट एट प्लेहेड करके काट देंगे। उसके बाद दोस्तों जहां तक आपके वीडियो में ग्रीन स्क्रीन रहता है उस पोजीशन तक वीडियो को हम कटिंग करने वाले हैं। इस पोजीशन तक हमारे वीडियो में दोस्तों ग्रीन स्क्रीन रहने वाला है, तो सिंपली यहीं से स्प्लिट एट प्लेहेड करके काट देंगे। उसके बाद यहां से दोस्तों ओके करेंगे, सेंटर वाले पार्ट को दोस्तों सेलेक्ट करेंगे यहां से ग्रीन स्क्रीन वाले, और यहां पे गाइज आपको जाना है क्रोमा की में।
क्रोमा की में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे और यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा अपने हिसाब से आप इसको मैच कर लीजिएगा ताकि आपका अच्छे से बैकग्राउंड कट जाए। और यहाँ पे दोस्तों आपको की कलर ग्रीन ही रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ओके करेंगे। अब गाइज यहीं पे आपको स्काई का, आसमान का एक फोटो चाहिए जो आपको यहाँ पे दिखाना है। दोस्तों लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे दोस्तों, आप बड़े आसानी से आसमान का स्काई फोटो बड़े आसानी से आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हम इस फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। फोटो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फोटो को इस तरह से यहाँ से थोड़ा सा जूम कर देंगे और यहाँ पे डिलीट के ऊपर की पे क्लिक करेंगे। दोस्तों की पे क्लिक करने के बाद गाइज इस तरह से आपको वीडियो को स्लाइड करके इस पोजिशन तक लेके आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ओके करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इस फोटो को इस तरह से खिसका के थोड़ा आगे पीछे कर देना है ताकि ऐसा लगना चाहिए वीडियो में आपके कि आपका आसमान चल रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सेंड टू बैक कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका स्काई, यहाँ पे आसमान का इफेक्ट आ चुका है। उसके बाद सिंपली दोस्तों यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ पे आपको लास्ट काम ये करना है कि इस वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, लास्ट पोजिशन पर रखेंगे, ऊपर वाले मेन बैकग्राउंड को सेलेक्ट करेंगे, सीजर पे जाके दोस्तों आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड करके काट देंगे। आपको नीचे और ऊपर की वीडियो बराबर रख लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट हो गया। वीडियो को सेव और शेयर करने के लिए शेयर बटन पे क्लिक करेंगे। रिजोल्यूशन सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे।